ये मेरे फादर है, मेरी मदर गीता मोहनलाल, मेरे फादर और मेरा नाम नीरू है। मैं सुल्तानपुरी 3234 में रहती हूँ। हमारे सामने किराए पे मुस्लिम दल रहते हैं, मतलब मुसलमान, वो मतलब हम हनुमान चालीसा चलाते हैं तो हमें हमेशा धमकी देते हैं, बंद करो हम तुम्हें मार देंगे, पता नहीं क्या क्या बोलते, हमारे समझ से बाहर है। और मेरी मदर को 20 दूसरा महीना 2022 को उन्होंने मारपीट, बहुत ज़्यादा झगड़ा करा था उनका, जो ईंट ईंट मारी थी और गली में कोई भी नहीं बोला, वो तो मदर को मैंने अपनी मम्मी को अंदर खींच लिया। उसके बाद एफआईआर हुई थी। हाँ जी, कि सुल्तानपुरी थाने में। हाँ जी, अच्छा, एफआईआर हुई थी सुल्तानपुरी थाने। तो आपकी मम्मी को चोट लगी थी? हाँ जी, बहुत ज्यादा चोट लगी। कहाँ कहाँ पर? चेस्ट में, हाथ में, हाथ टूट गया था, पैर फ्रैक्चर हो गया था, ना चलने के लायक। किसने मारी थी? बबलू खान। बबलू खान, हाँ जी। तो वो फरार है? हाँ जी, आज तक वो 2022 से आज तक वो पकड़ा नहीं गया, 6 जुलाई हो गई है। और आज फिर उसकी जो मतलब वाइफ है बबलू खान के, जो उनका घर परिवार है, सास साली साले सारे हम पे मतलब कि लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, हमें घरों से खींच रहे हैं, लड़ाई झगड़े कि हम आपको मार देंगे, जान से धमकी दे रहे हैं वो हमें मारने की। तो हमारी यही अपील है मोदी जी से, जितने भी अध्यक्ष हैं, कि हमारे घर की सेफ्टी, सुल्तानपुरी थाना, हमने DCP SP। जय श्री राम भाइयों, आप इस वीडियो में देख रहे हो, एक बहन बता रही है कि उसके घर वालों पर कैसे अत्याचार किए जा रहे हैं। ये वीडियो निकल कर आ रही है दिल्ली के सुल्तानपुरी से, जहां पर एक बहन बता रही है कि उनके ऊपर कुछ अल्पसंख्यक और कट्टरवादी समाज के लोग बहुत अत्याचार कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बताया इस वीडियो में, जब भी उनके घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता था, पूजा होती थी, हनुमान चालीसा बजाते थे, वो अपने घर के अंदर अर्चना करते थे, हनुमान चालीसा का पाठ करते थे, जो कट्टरवादी विचारधारा के लोग हैं वह उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने से रोकते थे और उनके साथ मारपीट करते थे। जैसे कि इन बहन ने बताया कि ईंटों से उनकी माता को मारा जाता था, और एक कट्टरवादी ने ईंट से उनकी माँ पर बहुत आक्रमण किया और ईंटों से उनके सर पर मारने लगे। कोई भी आस पड़ोस का निकल के नहीं आया। उनके सामने एक कट्टरवादी समाज के लोग रहते हैं, जो उनके घर में पूजा पाठ और हनुमान चालीसा होने से रोकते हैं, उन्हें पसंद नहीं है, इसीलिए वह दूसरे धर्म के लोगों को रोकते हैं कि नहीं, हम हनुमान चालीसा नहीं करने देंगे, पाठ नहीं करने देंगे। इसीलिए दोनों में विवाद हुआ और जो कट्टरवादी समाज के लोग हैं, उनका जो पुरुष है जिसने नाम बताया बबलू खान, उन्होंने इनकी माता को मारा। और जैसे ही इस बात की उन्होंने FIR कराई, पुलिस थाने में उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई, तभी से आरोपी फरार है। इस वीडियो में बहन बता रही है कि रिपोर्ट लिखवा दी है, आरोपी फरार है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, आरोपी मिला नहीं है। जो आरोपी की पत्नी है वह उनके घर वालों पर अत्याचार करती है, वह मारपीट करती है, रोज उनके आसपास घर पे मारपीट करने के लिए आ जाते हैं, इसीलिए वह अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पुलिस की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इस वीडियो में बहन बता रही है जो कट्टरवादी सोच विचारधारा के लोग हैं, उनकी पत्नी, जो आरोपी की पत्नी है, उसके मायके वाले, उसके भाई और उसकी बहनें, जो भी हैं, साली, जो भी चीज़ें, जो भी लोग हैं जो अत्याचार कर रहे हैं, वह हनुमान चालीसा का पाठ होने से रोक रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह निकल के आती है कि फ्रीडम कहाँ गई। अब इसमें यह बता रही है कि वह अपने घर में, अपने घर के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, लेकिन जब अल्पसंख्यक समाज अपने खुदा से इबादत करता है या कुछ भी करता है चिल्ला चिल्ला के माइक से, तब कोई हिंदू या कोई भी सामने नहीं आता, क्योंकि हिंदू धर्म या बहुसंख्यक समाज हर धर्म की इज्जत करता है और किसी को रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। लेकिन अल्पसंख्यक समाज के लोग जो कट्टरवादी विचारधारा के हैं, वह हिंदू समाज के पाठों को, उनकी पूजा अर्चना को लगातार रोक रहे हैं, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। ये वीडियो सुल्तानपुरी दिल्ली से निकल कर आ रही है और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी सुल्तानपुरी से है, इनकी मदद करें और पुलिस थाने और गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि इन्हें सुरक्षा दें। रोज़ इनके घर पर इनकी माता के साथ, इनके पिता के साथ और इनके साथ बहुत ही अत्याचार किए जा रहे हैं। आरोपी की पत्नी लगातार इन पर वार करती रहे, कभी ईंटों से मारा पीटा जाता है, कभी कुछ और किया जाता है, इसलिए पुलिस इन्हें सुरक्षा दे और आरोपी की पत्नियों को और उनके घर वालों को, जो भी इन पर अत्याचार करते हैं, उन पर कड़ा एक्शन ले। जय श्री राम।